नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। बहुत सारे फ्रेंड्स का कमेंट्स आया है कि मेरा टिकट बुकिंग, नए लोग जो हैं कि मेरा टिकट बुकिंग हुआ है तो कहाँ पे वो टिकट आता है, कौन सा जगह पे हम लोग टिकट देखेंगे, अपना टिकट बुकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, और ट्रांजेक्शन का आपको ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है कई बार कि बुकिंग नहीं होता है, पैसा पेमेंट कर देते हैं टिकट बुकिंग नहीं होता है, तो आप कैसे देखेंगे कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है कि बुकिंग हो चुका है टिकट, वो चीज़ आपको मैं देखने बताऊंगा। और आपको कुछ बुकिंग टाइम पे कभी बुकिंग कभी कभी ये आपका टिकट जो है वो नहीं शो करता है, जो कि रेलवे का कुछ निर्धारित टाइम है, उस टाइम पे आपको टिकट आपका बुकिंग किया हुआ है नहीं शो करता है, कौन सा टाइम है, कितने बजे तक, कितने देर तक आपका टिकट नहीं शो करता है, रेलवे का कौन सा निर्धारित टाइम है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि टिकट कहाँ पे आपको दिखता है और कहाँ पे फेल ट्रांजेक्शन दिखता है, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, और लेकिन बहुत लोग 90% से ऊपर लोगों को ये मालूम नहीं है कि कभी रेलवे का कुछ फिक्स टाइम है जिस टाइम के अंदर आप अपना टिकट को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। कोई सवाल चाहो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि हम आपको जवाब दे सकें, और चैनल पर पहले बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को निशान को दबा देंगे ताकि किस तरह की जानकारी आगे भी आपको मिलता रहे। तो हम रेलवे टिकट बुकिंग संबंधित हर तरह की जानकारी देते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को निशान को जरूर दबा देंगे। देखेंगे कि मैं अपना सबसे पहले नंबर आपको मैं बताना चाहूँगा कि टिकट बुकिंग होता है तो वो कहाँ पर रहता है, ठीक है, वो आपको मैं बताना चाहूँगा। मैं अपना HTCI को लॉगिन कर चुका हूँ। आपको कभी भी अपना टिकट को बुकिंग का देखना है, हिस्ट्री देखना है, तो आपको लॉगिन करके अपना ऐप में, और यहाँ पे माई बुकिंग का एक ऑप्शन आता है, टिकट छपा हुआ है, तो उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शन आपको मिलता है, अपकमिंग और कॉम्प्लीटेड का, ठीक है। अपकमिंग मतलब कि ये जर्नी अभी बाकी है, अपकमिंग में जो टिकट दिखाएगा, ये देखेंगे कि ये जर्नी का जो है वो बाकी है, 15 जुलाई का ये टिकट है, तो ये अपकमिंग में दिखा रहा है। और कॉम्प्लीटेड एक ऑप्शन आता है, पहले 3 ऑप्शन आता था लेकिन अब 2 ऑप्शन आता है, अपडेट कर दिया गया है इसको, तो कंप्लीटेड में आप जाएंगे तो ये जर्नी जो है टोटल वो कंप्लीट मेरा हो चुका है, इसका मतलब कि सफ़र कर चुके हैं ये टिकट को, और लेकिन ये टिकट जो है इसका अभी वैलिडिटी बाकी है, यानी कि इसका सफ़र नहीं किए हैं, ये कंप्लीट नहीं किया गया है सफ़र को, ये टिकट अभी इससे सफ़र करने वाले हैं हम लोग, ये यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पर आप टिकट पर आप फॉर्मिंग में क्लिक कीजिए, और ये टिकट को आपका मोबाइल फ़ोन में नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं दोबारा से, या कहीं शेयर करना चाहते हैं इस टिकट को, तो आपको ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करना है, या क्लिक करने के बाद आपको करंट एड्रेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है, करंट एड्रेस को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका ये टिकट जो है करंट एड्रेस में अपडेट हो गया है, तो करंट एड्रेस में कैंसिल का भी ऑप्शन मिलता है, कैंसिल में मत क्लिक कर दीजिएगा तो टिकट कैंसिल हो जाएगा। ये करंट एड्रेस में वेटिंग शेटिंग कुछ भी रहता है, RSU, तो ये करंट एड्रेस में टिकट आपका अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको करंट एड्रेस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, और सेव टिकट का ऑप्शन आता है, सेव पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कीजिए, सेव कर लीजिए, और यहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन आता है, शेयर पर क्लिक करके आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं, सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप सब पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप तो जान गए कि टिकट बुकिंग होता है तो कहाँ पर दिखाता है, लेकिन अभी कुछ निर्धारित टाइम है जो कि आपको नहीं दिखाई देगा, कब नहीं दिखाई देगा, तत्काल टिकट बुकिंग करने समय पे ये नहीं दिखाई देता है, 10 बजे आपका तत्काल टिकट बुकिंग होता है AC का, उस टाइम पे भी आपको 10 मिनट तक नहीं दिखाई देगा माई बुकिंग में, एक बार बुकिंग करने समय आपको पेमेंट करने टाइम पे ही टिकट शो करता है आपका बुकिंग हो जाता है तो, लेकिन आप काट दिए उसको काट दिए या बाई मिस्टेक्स नहीं देखें तो आप 10 मिनट तक आपको इंतज़ार करना होगा कि 10 मिनट के बाद ही आप टिकट को देख सकते हैं। 11 बजे भी तत्काल का AC का स्लीपर का चालू होता है, उस टाइम पे भी आप 10 मिनट तक टिकट को अपना माई बुकिंग में जाएंगे तो आपको नहीं शो करेगा, आपको एरर आएगा, ठीक है, एक्शन नोट टू अलावा ऐसा कुछ लिखता है इंग्लिश में, तो आपको 10 मिनट तक आपको नहीं शो करेगा। AC का टाइम पे यानी कि 10 बजे AC का तत्काल टिकट बुकिंग होता है, उस टाइम पे भी आपको 10 मिनट तक शो नहीं करेगा, और स्लीपर का जो है 11 बजे चालू होता है तत्काल, उस टाइम पे भी आपको 10 मिनट तक नहीं आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये निर्धारित समय है, बहुत लोग इस तरह से परेशान भी होते हैं कि टिकट मेरा नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, कैसा हो गया, अब क्या करूँ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 10 मिनट के बाद ट्राई कीजिएगा, आपका दिखने लगेगा। और बहुत लोगों को ये भी होता है कि टिकट कई बार पैसा पे कट जाता है आपका अकाउंट से, और बहुत लोग सोचते हैं कि टिकट बुकिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका भी कुछ नियम कानून है कि आपको फेल हो या पैसा टिकट नहीं शो करता है तो आपको यहाँ पे आपको आना है माई ट्रांजेक्शन पे, देख रहे होंगे नीचे में ऑप्शन आता है माई ट्रांजेक्शन, समझिएगा अच्छा से क्योंकि इम्पोर्टेंट जानकारी है। माई ट्रांजेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन का ऊपर में आपको मिलता है,
लास्ट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि ये मेरा टिकट मैं बुकिंग कर रहा था और पैसा मेरा पेमेंट हो वहाँ से, जो भी एप्लीकेशन से मैं पेमेंट कर रहा था फ़ोनपे से, ये पैसा जो था वो पेमेंट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे ये IRCTC ने एक्सेप्ट नहीं कर पाया है पैसा को, मतलब कि नहीं ले पाया, वहाँ से तो भेज दिया लेकिन ये नहीं रिसीव कर पाया, ये बीच में रह गया पैसा, और बीच में रहने के कारण से ये पैसा जो है रिटर्निंग मेरे खाते में जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे लिख रहा है स्टेटस में नोट बुकेट, यहाँ पे देख रहे होंगे, और माई बुकिंग में जो टिकट बुकिंग हुआ था यहाँ पे स्टेटस में लिख रहा था ग्रीन कलर में बुकेट, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है नोट बुकेट, यानी कि टिकट आपका बुकिंग नहीं किया गया है, और कितना रुपए का टिकट था वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, 491.8 का ये टिकट था, पूरी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन था डेहरीगंज से नई दिल्ली का टिकट मैं बुकिंग कर रहा था, चार इंडक्शन डेट है सर, डेट टाइम सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, और इसको मैं बता दूँ कि अगर टिकट आपका जब तक यहाँ पे एक बार टिकट आपका फेल हो जाता है तो कभी कभी बाद में भी टिकट कुछ मिनट के अंदर टेक्निकल इशू को लेकर के भी आपका टिकट बुकिंग हो जाता है, लेकिन आपको टिकट फेल हो जाता है दोबारा से आप टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो एक बार माई ट्रांजेक्शन में आकर के यहाँ पे देख लेंगे कि आपका टिकट नोट बुकेट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शो कर रहा है तभी आप दोबारा से टिकट को बुकिंग करेंगे, ठीक है, नहीं तो कुछ मिनट वेट कर लेंगे, नहीं तो आधे घंटे बाद आप अगर जो नहीं दिख रहा है तो आधे घंटे बाद आप दोबारा से टिकट बुकिंग कर लेंगे, नहीं तो आपको कभी कभी टिकट दोबारा दो बार भी आपको बुकिंग हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे जब लास्ट ट्रांजेक्शन में आइए यहाँ पे आपको नोट बुकेट लिख रहा है तो आप सर्टिफाइड हो जाइए कि आपका पैसा रिटर्निंग मिल जाएगा कुछ दिन में, और आप दोबारा से टिकट बुकिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करता हूँ जानकारी से आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिए ताकि हम आपको जवाब दे सकें, मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपका।